नमस्ते दोस्तों मैं आरही आरही के चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है आज हम लेके आए हैं यहाँ पे जलेबी तो हम लोग जलेबी बनाएंगे हम लोग घर पे जलेबी बनाएंगे और बिल्कुल मैदे का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे आटे की जलेबी बनाएंगे और दिखने में बिल्कुल आटे जैसी नहीं लग रही थी इतना टेस्टी लग रही थी बनी थी एकदम अंदर से एकदम रस भर गया था इनमें और एकदम टेस्ट भी था घर के चीज़ों को बनाइए फ्रेश बनाइए फ्रेश खाइए मार्केट में जो जलेबियाँ मिलती हैं वो तेल बहुत दिन का गर्म कर करके ठंडा किया जाता है फिर उसको रख दिया जाता है उसमें फ्राई किया जाता है तो वो तेल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है हम लोग घर पे बनाएंगे और वो भी आटे से बनाएंगे और बहुत जल्दी बन जाती है और लगता है कि यार जलेबी बनाना लेकिन जलेबी बनाना इतना आसान है इतना आसान है कि आज की वीडियो आप लोग देख लेंगे ना तो घर पे जलेबी बनाने बनाएंगे मार्केट की जलेबी नहीं खाएंगे तो यहाँ पे हम लोग आटे से बनाएंगे चलिए बनाते हैं तो यहाँ पे कितना बनाना है आप उस हिसाब से आटा ले सकती हैं मैंने यहाँ पे दो कटोरी लिया था आटा एक छोटा चम्मच जो चाय की पत्ती में चम्मच होते हैं उसी से बेकिंग पाउडर डालना है और यहाँ पे हम डालेंगे चार चम्मच फ्रेश दही तो चार चम्मच फ्रेश दही ले लिया बेकिंग पाउडर आप लोग समझ लिए बेकिंग सोडा नहीं लेना है बेकिंग पाउडर लेना है तो यहाँ पे हम पानी से इनको एक घोल तैयार करना है इसका आटे का इकट्ठा पानी नहीं डालना है आप लोग देखे होंगे हम लोग ढोसे के बेटर में किसी भी चीज़ का एक पेस्ट बनाते हैं तो उनमें पानी इकट्ठा नहीं डालना है धीरे 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 करके ही डालना है अच्छे से घोल इसका तैयार करते जाना है एकदम इनमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए इनमें कोई गाठ नहीं होनी चाहिए अच्छे से इनको घोलना है और इनको भर के रख दीजिए हमने सॉस भरते हैं बॉटल में जो आती है सॉस भरने वाली उसी में हमने भर लिया था आप लोग आ, एक कुप्पी आती है उसमें भी भर सकते हैं बनाने के लिए तो हमने रख दिया है भर करके और अब हम एक साइड चाशनी पहले तैयार करके रखेंगे चाशनी के बाद ही हम लोग जलेबी फ्राई करेंगे तो यहाँ पे दो कटोरी हमने चीनी लिया है आप यहाँ पे एक कटोरी पानी लेंगे यानी दो कटोरी हम चीनी लेंगे तो एक कटोरी पानी लेंगे चार कटोरी चीनी लेंगे तो इसमें दो कटोरी पानी लेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अच्छे से खोलने लगे तो इनमें थोड़ा सा मैं ऑरेंज जो मीठा खा खाने वाला कलर आता है जो मिठाई में डाला जाता है वही है हमने डाला है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन मार्केट का लुक देखने के लिए मैंने इसमें दिया है और देखिए चाशनी अब चाशनी देखेंगे कि कैसे पक गई है तो इसको इस तरह से पलटे पे उठाइए और इसमें से एक गाढ़ा सा थेक सा बूंद टपकने लगे तो समझ जाइए कि हमारी चासनी बन तैयार हो गई है तो ये चासनी बन गई है और चासनी जमने लगती है जैसे कि आपने चीनी की बना के हम लोग रख देते हैं गुलाब जामुन हुआ कोई भी चीज़ हुआ तो इनमें चीनी जो होती है हमारी जमने लगती है उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें एक चम्मच नींबू का रस मिला दीजिए तो उससे चीनी हमारी नहीं जमेगी बार बार हमें गर्म नहीं करने की ज़रूरत पड़ती चीनी नहीं जमेगी तो यहाँ पे एक चम्मच हम डाल दिए हैं नींबू का रस इससे हमारी चाशनी जो है एकदम ऐसे ही रह जाएगी वो जमेगी नहीं इसके बाद ये हमारी चासनी बन के तैयार हो गई है और हम गैस को कर देंगे बंद और चलिए हमारा तेल गर्म हो रहा है तो हम बनाएंगे जलेबी तो अच्छे से वीडियो को सुनिए प्लीज अगर समझ में आता होगा अच्छा लगता होगा तो हमारे रेसिपी और हमारे चैनल तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक करिएगा आइकन को प्रेस करेंगी तो उससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी तो चलिए अब हम लोग जलेबी फ्राई करते हैं तेल हमने रख दिया है गर्म होने के लिए चीनी की चाशनी आप समझ गए हैं कि कैसे बनती है तैयार कितना करना है बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है बहुत गाढ़ी चाशनी हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम जल्दी जल्दी से अपना जलेबी बनाना शुरू कर दिए हैं तो देखिए ऐसे जलेबी बनाएंगे बीच से एक गोल बनाते जाइए गोल बनाते जाइए गोल बनाते जाइए और इस गोल को आप ऐसे ही नहीं छोड़ दीजिए मतलब बाहर नहीं छोड़ना है अंदर तक ले जाकर के इस गोल को मतलब जलेबी को एंड करना है क्योंकि अंदर तक ऐसे छोड़ेंगे देखिए समझ जाइए आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे हम लोग अच्छे से समझाने की हम कोशिश करते हैं आप लोगों को तो यहाँ पे देखिए जलेबी को हम अंदर तक ले जा करके ऐसे अंदर देखिए यहाँ छोड़ेंगे जलेबी ऐसे बाहर छोड़ दोगे तो वो जलेबी आपकी खुल जाएगी यानी कि ख़राब हो जाएगी बिगड़ जाएगी तो एक दो बार करेंगी तो देखिए आपकी जलेबी बन जाएगी अच्छे से बन जाती है तो ये देखिए फूली फुली हमारी जलेबी और जब जलेबी डालें तो तेल मीडियम ही रखें ना ज़्यादा गर्म रखें ना ज़्यादा ठंडा रखें ठंडा रखेंगे तो जलेबी फूलेगी नहीं और तेज़ आंच पे रखेंगे तो आप जलेबी अब रोज़ रोज की आदत तो नहीं है हमारी ना जलेबी बनाएंगी अगर तेज़ रख देंगे तो नहीं बना पाएंगे तो देखिए पतली पतली क्रिस्पी हम यहाँ पे घी और चीनी की जलेबी बना रहे हैं अब हमारी जलेबी एक एक करके फ्राई हो रही है और निकाल के हमें तुरंत जलेबी को चाशनी में डाल देना है तो इस तरह से चाशनी में हमें डुबोते जाना है देखिए एक एक करके हम जलेबी निकालते जाएंगे और फ्राई होना चाहिए एकदम खाने में एकदम क्रिस्पी होने चाहिए एकदम हमने सिर्फ आटे सा बनाया था और वो क्रिस्पी थी और दो दिन मतलब हमने बच गई थी तो हमने सुबह के लिए भी रख दिया था तो भी क्रिस्पी थी हमारी जलेबी और बहुत अच्छी थी लोग देखिए हमारी जलेबी तैयार हो गई है और खाने वाले लोग कह रहे थे कि ये लग नहीं रहा है कि ये आटे से बनाया गया है लग रहा है बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए हमारी बताई हुई रेसिपी जलेबी घर पे इस तरह से आप बनाएंगी तो हमें बहुत आसान लगता है बहुत जल्दी बन जाता है आप भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों ने बनाया नहीं बनाया मिलती हूँ अगली वीडियो में थैंक यू सो मच